हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइस। डाइस जिसको हम हिंदी में पासा कहते हैं और जो एक क्यूब शेप में होता है, इस तरह से दिखता है। जैसे कि हम अपने गेम्स में, लूडो गेम्स हो गया, उसमें हम डाइस यूज़ करते हैं, क्यूब शेप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चन रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है रीजनिंग में आपसे पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में भी कह सकते हैं हम। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको कुछ एक ऐसी डाइस की फ़ोटोज़ दी होंगी विद नंबर और आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा होता है, कई बार ये पूछा होता है कि अगर टॉप फेस पे जैसे मान लो 5 है तो बॉटम फेस पे कौन सा नंबर आएगा, मींस ऑपोजिट फेस पे क्या नंबर आएगा। अगर ये साइड फेस 4 है तो इसके ऑपोजिट कौन सा नंबर वाला फेस आएगा। इस तरह से क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं हम, और इससे इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम एक तरह से एक फास्ट रिवीजन जो है हम उसका ले लेंगे। तो जैसे कि आप ये शेप देख रहे हो, ये डाइस का शेप है, क्यूब का शेप है। क्यूब में जो है वो कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, जिसके हमें सिर्फ, अगर हम उसको सामने से देखते हैं तो हमें उसके सिर्फ 3 ही फेसेस नज़र आते हैं। इसको हम टॉप फेस कहेंगे, इसको हम उसका फ्रंट फेस कहेंगे, और ये उसका राइट फेस या साइड फेस होगा। ठीक है, तो टॉप फेस, फ्रंट और साइड। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसके जो है वो 6 फेसेस होते हैं, उनको हम इस तरह से डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। तो ये बैक हो गया, ये साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये डाउन हो गया और ये अप हो गया। ठीक है, इस तरह से 6 फेसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम कोई भी एक फेस इसका कंसीडर करते हैं, जैसे हमने इसका फ्रंट फेस ले लिया, ठीक है, तो हर एक फेस के साथ जो है 4 एडजेसेंट फेस होते हैं, मींस उसके 4 उसके साथ 4 फेस जो है वो जुड़े हुए होते हैं, उसके एकदम पड़ोसी, हम कहते हैं ना इमीडिएट नेबर, उसके पड़ोसी होते हैं, उससे सटे हुए होते हैं। तो एक फेस के साथ कितने फेस सटे हुए होते हैं, 4 फेस। जैसे कि अगर हम फ्रंट फेस की बात करेंगे तो इसके साथ जो है वो लेफ्ट साइड वाला फेस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट साइड वाला फेस जुड़ा हुआ है, टॉप वाला जुड़ा हुआ है और बॉटम वाला जुड़ा हुआ है। तो हर एक फेस के साथ कितने फेसेस जुड़े हुए हैं, 4 फेसेस जुड़े हुए हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन्हीं चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक चीज़ हमने यहाँ से ये सीख ली। ठीक है, और ऑपोजिट फेस जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट फेसेस आर नेवर एडजेसेंट टू वन अनदर, मींस जो ऑपोजिट फेस होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ सटे हुए नहीं होते हैं या एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे टॉप का अगर बॉटम ले रहे हैं तो वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसका इमीडिएट नेबर नहीं है, बल्कि उसके सामने का पड़ोसी है वो। ठीक है, तो ऑपोजिट फेसेस आर कैन नॉट बी एडजेसेंट टू वन अनदर। तो ये तो हो गई बातें, बाकी कुछ बातें बाद में हम इसके साथ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं डाइस की, तो हमने अभी तक पढ़ा है कि इसके 6 फेसेस होते हैं। एक डाइस जो है वो 2 फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें जब भी आपसे कोई भी ऑपोजिट, अगर मान लो एक फेस का नंबर दिया हुआ है और उसके ऑपोजिट फेस पूछा हुआ है, तो इसमें जो सम ऑफ ऑपोजिट फेस होता है वो 7 होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस के लिए हमें ऑपोजिट फेस का पता लगाना बहुत इजी हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये टॉप फेस है 5, तो अगर हमें 5 का ऑपोजिट फेस, टॉप का ऑपोजिट फेस मींस बॉटम फेस के बारे में बताना है, तो बॉटम पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि 5 + 2 = 7 होगा। ठीक है, ये साइड फेस है, अगर हमें इसका लेफ्ट साइड वाला ऑपोजिट फेस का नंबर पता लगाना है तो वो 3 होगा, बिकॉज 4 + 3 = 7। तो इसका जो बैक होगा 1 का वो 6 होगा, 1 + 6 = 7। ठीक है, 5 + 2 = 7। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट फेस का पता लगाना बहुत ही इजी है, विद इन अ सेकेंड हम उसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट फेसेस का सम जो है वो 7 होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन होगा तो बहुत ही आपको ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड वर्ड वहाँ पे मेंशन होगा क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डाइस वर्ड जो है वो मेंशन होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस अगर लिखा हुआ है तो बिना सोचे समझे जो है, जो भी नंबर दिया है उसको उसमें वो नंबर ऐड करो जिससे हमें 7 मिलता हो। ठीक है,
तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज का, जिसमें हमें ऑपोजिट फेस का पता लगाने में कोई देरी नहीं लगेगी, हम विद इन सेकेंड जो है ऑपोजिट फेस का पता लगा सकते हैं। अगर बात हो रही है नॉन स्टैंडर्डाइज की, जिसमें जो है वो जो हमें फेसेस दिए गए होते हैं, ठीक है, जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं या ऑपोजिट फेसेस होते हैं, उनका सम जो है वो सेवन, हम ये भी कह सकते हैं कि ऑपोजिट फेसेस का सम कभी भी सेवन नहीं होगा उसमें, या तो मोर देन सेवन होगा या लेस देन सेवन होगा, ठीक है, या फिर हमें जो फेस दिए गए हैं, जो हमारे सामने फेसेस हैं, उनका सम जो है वो सेवन होगा। अगर दिए गए फेसेस का सम सेवन होगा, सेवन से ज़्यादा होगा कम होगा, तो भी वो नॉन स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब उल्टा जो है वो नॉन स्टैंडर्ड हो गया। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे होते हैं डाइस से, वो नॉन स्टैंडर्ड क्यूब से पूछे जाते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया आपको इतना। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ की। जैसे हमने बात की कि ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू वन अनदर, तो मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट फेस, जैसे 5 का ऑपोजिट यहाँ पे बॉटम फेस होगा, क्योंकि टॉप है तो इसका ऑपोजिट बॉटम होगा और ये उसका नंबर 2 होगा, ठीक है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो ऑपोजिट फेस जो है वो एक दूसरे के से सटे हुए नहीं होंगे, वो एक दूसरे के सामने होंगे। क्लियर हो गया। सेकेंड है, 4 फेसेस आर एडजेसेंट टू वन फेस, मतलब किसी एक फेस के कितने पड़ोसी हैं, 4 पड़ोसी हैं, ठीक है, एक फेस से कितने सटे हुए फेसेस हैं, फलक कितने सटे हुए हैं, 4, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये हमारे पास 2 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है, एक डाइस पे फेस के नंबर दिए हैं 2, 6, 4 और दूसरे के पास दिए हैं 3, 4 एंड 5। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच नंबर फेस विल बी ऑपोजिट टू द फेस 4, अगर आपसे पूछा है कि 4 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, तो क्या आपके लिए ये बताना इजी होगा? अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी नहीं पता, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाली चीज़ें जो हमने अभी पीछे समझी हैं। विच नंबर फेस विल बी ऑपोजिट टू द फेस 4, 4 के, अब देखो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 + 3 = 7 हो रहा है यहाँ पे। जब सामने वाले फेसेस का सम 7 आता है तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसे केसेस में हमें सेकंड वाली चीज़ यूज़ करनी है, 4 फेसेस आर एडजेसेंट टू वन फेस, मतलब एक फेस के कितने नेबर्स होते हैं, एक फेस से कितने फेस सटे हुए होते हैं, 4। अब दोनों डाइस को देखो, दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के एडजेसेंट फेस या 4 के पड़ोसी का कौन कौन है, 6, 2, और यहाँ पे 4 के पड़ोसी कौन कौन है, 3, 5। तो यहाँ पे 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, सिंगल एक फेस बचा है और वो है 1। तो 4 का जो ऑपोजिट होगा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि बाकी 4 फेसेस हमें पता है, 6, 2, 5, 3, ठीक है, और एक फेस के 4 ही पड़ोसी होते हैं, 5वां उसका ऑपोजिट होता है, तो 1 जो बच गया वो उसका ऑपोजिट होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1। तो इसका आंसर होगा 1। अगर मान लो, ये तो हो गई सिंपल बात, ठीक है, कि जिसमें एक फेस कॉमन था दोनों डाइस में और बाकी हमें उस कॉमन फेस का ऑपोजिट निकालना था। तो एक फेस जब कॉमन है तो बाकी 4 उसके पड़ोसी हैं, जो बच गया वो उसका ऑपोजिट होगा, ये तो हमने यहाँ से समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन है, विच नंबर विल बी ऑपोजिट टू 2 और 6, यहाँ पे 2 और 6 के ऑपोजिट फेस कौन से होंगे। तो अब हमें ऐसे कहाँ से पता लगाना, इस डाइस में क्वेश्चन पूछा गया है, विच नंबर विल बी ऑपोजिट टू द 2 और 6। अगर हमें 2 का ऑपोजिट बताना है तो हम कैसे बताएंगे, 6 का ऑपोजिट बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जो नंबर, जो फेस हमें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, और वहाँ से हम राइट साइड में मूव करना शुरू कर देंगे, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करना शुरू कर देंगे। तो क्लॉकवाइज में जब हमने मूव किया तो फिर आया 2 और उसके बाद आ रहा है 6। ऐसे नंबर्स को लिख लीजिए,
फोर के बाद टू, टू के बाद सिक्स लिख लिया हमने क्लॉकवाइज में। यहाँ पे भी जो कॉमन फेस है फोर है, वहाँ से हमने क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देना है। तो ये हो गया फोर, ये हो गया थ्री और ये हो गया फाइव, थ्री फाइव, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है, टू का ऑपोजिट फेस क्या होगा, थ्री होगा, और सिक्स का ऑपोजिट फेस क्या होगा, फाइव होगा। क्लियर हो गया, टू का ऑपोजिट फेस थ्री, सिक्स का ऑपोजिट फेस फाइव, ये यहाँ से हमें क्लियर हो गया। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि अगर यहाँ पे फ्रंट फेस सिक्स है और यहाँ पे फाइव है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका ऑपोजिट यही आएगा। ये बाई चांस यहाँ पे ऐसा आ रहा है, लेकिन हर एक केस में आपको इस तरह से नहीं दिखेगा कि अगर साइड में टू है तो यहाँ थ्री है तो टू का थ्री अपोजिट होगा, ऐसा कभी नहीं। आपको हर बार ऐसा चांस नहीं मिलेगा, ये बाई चांस ऐसा हो गया है एग्जाम्पल में। तो यहाँ और भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह से शुरू कीजिए कि जहाँ जो कॉमन फेस है उसको लिख के उससे राइट साइड को मूव करना शुरू कर दीजिए, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दीजिए और नंबर को लिख लीजिए। वैसे ही सेकंड डाइस में लिख लीजिए, जो आमने सामने आएंगे वो अपोजिट फेस होंगे। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है, टू का थ्री, सिक्स का फाइव। नेक्स्ट देखिए, एक और चीज़ हमने यहाँ सीखनी है, ठीक है। हमने अभी तक सीखा है ऑपोजिट फेस जो है वो एडजस्टेंट नहीं होते हैं, और फोर फेसेस जो है दे आर एडजस्टेंट टू अ वन सिंगल फेस और वन फेस। नाउ नेक्स्ट है, व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन इन बोथ डाइसेस द थर्ड वन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे एक नंबर कॉमन था इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में क्या है, टू डाइसेस दिए हैं और उसमें टू नंबर्स कॉमन हैं। तो जब दो डाइसेस दिए हों और दो नंबर कॉमन हों तो जो थर्ड नंबर बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, सिक्स फाइव फोर था, यहाँ फोर सिक्स वन है। तो टू कॉमन नंबर क्या है, सिक्स एंड फोर। यहाँ पर भी सिक्स एंड फोर है, यहाँ भी सिक्स एंड फोर है, तो दोनों कॉमन हो गए, बच गया हमारा फाइव एंड वन। तो वन के ऑपोजिट फाइव होगा और फाइव के ऑपोजिट वन होगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने एक और चीज़ सीख ली कि जब दो डिजिट्स या दो फेस के नंबर कॉमन हो तो थर्ड फेस का ऑपोजिट जो है वो रिमेनिंग नंबर होगा, ठीक है। ये हो गया वन का फाइव और फाइव का वन, जो भी होगा आपसे पूछा जाएगा उस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये दो डाइसेस आपको दिए गए हैं, इसके भी नंबर है वन टू एंड थ्री, इस पे नंबर है वन टू एंड फोर। सो दो कॉमन नंबर हैं, दो फेसेस जो हैं उनके नंबर सेम हैं, जैसे ये वन एंड टू, वन एंड टू। तो बच गए थ्री एंड फोर। तो थ्री एंड फोर में से अगर हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ फोर, तो आंसर विल बी थ्री। ओके, सो थ्री इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन भी जो पूछा गया है हमारा NVS TGT में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हेन देयर आर टू डॉट्स एट द बॉटम द नंबर ऑफ डॉट्स एट द टॉप विल बी। ये दो डाइसेस दिए गए थे, तो ये कह रहे हैं कि जब टू डॉट्स जो हैं बॉटम में होंगे, ठीक है, तो टॉप पे कितने डॉट्स होने चाहिए। तो अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे वन फाइव थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पे फोर टू एंड वन डॉट है। अगर आप इससे कंफ्यूज़ होते हो तो जल्दी से इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये थ्री फेस है कॉमन किसी डाइस के जो हमें पता होते हैं। ऊपर वन है, यहाँ फाइव है, यहाँ थ्री है, और इस वाले डाइस में यहाँ फोर है, टू है, वन है। अब आप देख लीजिए दोनों डाइसेज में जो है एक फेस कॉमन है, ठीक है, तो हमने उसको लिख लिया इस तरह से, मैंने आपको बताया था वन। वहाँ से हमें क्या करना है, राइट साइड को मूव करना है क्लॉकवाइज वे में। तो थ्री और फाइव, वैसे ही हम डाइस टू के लिए वन लेंगे, फिर उसके बाद अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये आ जाएगा टू, फिर फोर आ गया हमारा आंसर। हमें पूछ रहे हैं कि इफ़ देयर आर टू डॉट्स एट द बॉटम द नंबर ऑफ डॉट्स एट द टॉप, मीन्स टू के अपोजिट क्या आएगा। सिंपल यही बात है, क्योंकि टू अगर बॉटम में है तो उसका अपोजिट जो है टॉप होगा, तो टू के टॉप में क्या आ रहा है, थ्री। तो आंसर हमारा यहाँ पे है, टू के ऑपोजिट क्या है, थ्री। तो आंसर यहाँ पे थ्री आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ये हमारे पास टू डाइसेस हैं जिसमें ये डॉट्स दिए गए हैं, ये थ्री डॉट्स हैं, फाइव हैं, यहाँ फोर हैं, ये थ्री हैं, यहाँ सिक्स हैं, यहाँ टू है,
ठीक है. इफ़ फेस विद वन डॉट इज़ एट द बॉटम. अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ये मत सोचना कि वन डॉट कहीं भी नहीं दिया गया है, बस चीज़ें आपने सीख ली है, थोड़ा सा उसको अप्लाई करो यहाँ पे नॉलेज को. इफ़ फेस विद वन डॉट इज़ एट द बॉटम देन द नंबर ऑफ डॉट्स एट द टॉप इज़ वॉट. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपको खुद को समझ आ जाएगा कि आपको कितना समझ आया है. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक. वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना. थैंक यू.